यह ठंडी शरद अर्थु की रात करीब 1:30। सब कुछ अंधकारमय और शांत था अंदर ब्रे रोड, जो राजमार्ग 11 काउंटी रोड के साथ NN। लोरी काम से घर जा रही थी मैनेजर एल्कहॉर्न आश्रय स्थल से, और तभी उसने कुछ देखा अजीब। सड़क के किनारे एक भूरी भूरी आकृति अंधेरा में उसकी ओर पीठ करके घुटनों के बल बैठा था। सुस छोटे और नुकीले कान वे एकमात्र वास्तविक चीज थे, वह बाहर खड़ा था। जब लोरी पास आई, वह मुड़ा, अपना अजीब कुत्ते जैसा चेहरा दिखा रहा है। उनकी कोहनियां ऊपर थीं और पंजे बाहर की ओर, इसलिए मुझे पता था कि इसके पंजे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे पंजे याद हैं, जो सड़क पर हत्या कर रहा था, और उसकी आंखें, जो उनकी हेडलाइट्स की चमक को दर्शाता है। वह 5'7" का लग रहा था और वजन 150 पाउंड है। वह जो देख सका उससे एक क्षण भंगुर नजर से। हालांकि अधिकांश जंगली जानवरों के विपरीत यह कुत्ता प्राणी वह भागा नहीं, लेकिन वह उसने सीधे उसकी ओर देखा आंखों को। लोरी चली गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे यह बहुत मानवीय कि वहां निशान एक जंगली जानवर की उन आंखों में आज तक वह सोचती है कि यह शैतानी। उसे ऐसा लग रहा था कि यह शुद्ध बुराई। वह वास्तव में वेयरवुल्स में विश्वास नहीं करती प्रति से, लेकिन वह सोचता है कि वह जानता है। मैं कुछ कल्पना कर सकता हूं। उनकी दादी बहुत धार्मिक थीं और दादी मुझे भी इस पर विश्वास था। बाद में किसी समय लोरी अपनी कहानी रिपोर्ट करने गई वॉलवर्थ काउंटी पशु नियंत्रण, और आप मनीला के बारे में पशु नियंत्रण अधिकारी जॉन फ्रेडरिक्सन टैग के साथ वेयरवुल्फ, और जहां सबसे पहले दर्शन हुए पहली ब्रे रोड का जानवर।